ना एक नक्शे पे बनाई हुई लकीर है, ये आपके लिए वो धरती है जिसे आप मां समान मानते हैं, जिसके लिए आपके दिल में वो श्रद्धा है, वो प्रेम है और वो निष्ठा है जो एक बेटे या एक बेटी की अपने माँ के प्रति होती है। शायद आप हट जाए तो देख पाएंगे। इस धरती के लिए दिख रही हूं, इस धरती के लिए सैकड़ों लोगों ने कुर्बानी दी, वीर श्रीकांताचार्य और सैकड़ों अमर वीरों ने तेलंगाना के लिए एक सपना देखा था और उस सपने के लिए उन्होंने अपना जीवन दिया। मित्रुलारा कोशिश करूंगी, तेलंगाना विद्यार्थी अमर वीर अल्लू ए आकांक्षाल कोसम आत्म बलिदान अल्लू चेसुकुन्नरू। ठीक बोला। उनकी क्या इच्छा थी, उनकी क्या आशा थी? उनकी इच्छा थी, उनकी लड़ाई थी कि यहाँ के युवाओं के लिए रोजगार बने, कि आने वाली पीढ़ियों को अपना पूरा हक मिले, उनके साथ ज्यादती न हो। किसानों के लिए उन्होंने ये सपना देखा था कि उनको पानी मिले, फसलों का सही दाम मिले, कर्ज का बोझ न उठाना पड़े। अपनी बहनों के लिए ये सपना देखा था कि पूरी तरह से उन्हें भी अपना हक मिले और सारी सुविधाएं मिले। वारंगल, रेंगारेड्डा, रेड्डी, नलगोंडा, करीमनगर, महबूब नगर जैसे शहर भी हैदराबाद की तरह विकसित हो, उनका नाम भी पूरी देश दुनिया में मशहूर हो। ये शहीद जिन्होंने तेलंगाना के लिए अपना जीवन दिया, ये चाहते थे कि बाबा साहेब अंबेडकर, महात्मा फूले जी, कोमरम भीम जी का जो सपना है वो साकार हो, सबको सामाजिक न्याय मिले, सबको समान हक मिले।